सो गुड आफ्टरनून लवली पीपल, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अवॉइड दीज थिंग्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फ़र्क नहीं पड़ता आप जेई कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप नीट कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप SSC, UPSC या कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, अगर ये कुछ चीज़ें आप कर रहे हो तो यू आर डूइंग मिस्टेक्स इन योर प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अवॉइड सोशल मीडिया। ये सबसे पहली चीज़ है कि सोशल मीडिया आपको सबसे पहले हटा देना चाहिए भाई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी चलाते हो भाई, आजकल जो सोशल मीडिया का जो ट्रैप है ना, ये रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, या फेसबुक पे आप देखते हो, भाई हटा दो, कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, सब वेस्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम आप सोशल मीडिया में दोगे उससे ज़्यादा भाई अगर आप उन चीज़ों में दे दो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के तैयारी में दोगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो सोशल मीडिया तो यार एक ट्रैप है, उसका एल्गोरिथम ही ऐसा रहता है सोशल मीडिया का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर टिका के बैठे वो। ठीक है, तो सोशल मीडिया हटा दो भाई, पहले सबसे पहले अभी हटा दो, अभी वीडियो पॉज करो और अभी सोशल मीडिया हटाओ अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो चलाओ भाई थोड़ा बहुत, मतलब पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। जब मैं भी अपना JEE का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और तो मैंने भी 2 साल हटा के रखा था अपना इंस्टाग्राम पहले, वरना मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहता था फोटोग्राफी और ये सब, मॉडलिंग वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। स्टॉप टेलिंग एवरी वन वॉट यू आर डूइंग। तो भाई कुछ लोगों में होता है कि फ्लैक्स करते हैं कि हम तो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले उनके मम्मी पापा होते हैं कि रिश्तेदारों में बताएंगे कि बच्चा कोटा से IIT JEE नीट की तैयारी कर रहा है, बहुत फ्लैक्स लगता है। वैसे तैयारी करना फ्लैक्स नहीं होता, जब एग्ज़ाम निकल जाए वो फ्लैक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने घर वालों को भी समझा देना और ख़ुद भी समझ लेना कि यार देखो अगर तुम तैयारी कर रहे हो उस चीज़ का फ्लैक्स मत करो, जब वो एग्ज़ाम निकल जाए तब बात अलग होती है, जब तक नहीं निकालो मतलब तब तक चुप रहो, शांत रहकर तैयारी करो। और हार्ड इन साइलेंस लेट योर सक्सेस मेक नॉइज, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपको पता होगा। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, सीधे करके दिखाओ भाई। जब मैं भी तैयारी करता था तो मेरे भी लाइक किसी को पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे किसी को नहीं पता था। और जब हुआ था ना तो सीधे पोस्टर पे देखा था कि यार धीरज मौर्या का कुछ तो तगड़ा एग्ज़ाम निकल चुका है। तो अपना ध्यान रखो कि ज़्यादा किसी में बाहर बताओ नहीं, रिश्तेदारों में कुछ मत बताओ। देखो भाई नज़र तो लगती ही है, और दूसरी बात लोग बद्दुआ अलग देते हैं। ठीक है, कोई अच्छा चाहता नहीं है तुम्हारा, सीधी बात है, दूर रहो भाई ऐसे लोगों से, और अपने आप को, अपने आप से बात करो, अपने घर वालों से बात करो। द थर्ड टिप इज़ डू अ बेटर प्लानिंग। तो बेटर प्लानिंग से क्या मतलब होता है कि पूरे साल का स्केड्यूल बना लो, नहीं यार ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि पूरे साल में आपको ब्रॉडली ये करना है, आपको पता होना चाहिए। लाइक मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ आपको। तो मैंने 2024 में सोचा है कि मैं अपना 365 डेज का चैलेंज जो मेरा चल रहा है, 365 डेज 365 ब्लॉक्स का चैलेंज, वो मैं पूरा करूँगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं अपने अकेडमिक्स पर भी फोकस करूँगा। तो ये दो चीज़ें मैंने जो ली हैं, और भी कुछ नई चीज़ सीखेंगे वो सरप्राइज़ है। इसी चीज़ को अपन थोड़ा कंसाइज करते हैं मंथली प्लानिंग में। तो ईयरली प्लानिंग में अपन ने ब्रॉडली लिख लिया, ठीक है, अब मंथली प्लानिंग में अपन का ये हो गया इस पूरे मंथ में अपन को ब्रॉडली क्या क्या लिखना है हर एक हफ्ते में। लाइक अभी मुझे पता है कि इस हफ्ते में मुझे ये वाली वीडियो डालनी है, अगले हफ्ते में मुझे 3 ब्लॉग के बाद एक ये वाली वीडियो डालनी है, उसके बाद मुझे ऐसा करना है। तो एक ये कंसाइज हो गया, ठीक है, महीने का। अब आते हैं वीक्स में। आज है ट्यूसडे, ठीक है, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तब है ट्यूसडे। तो मैंने ट्यूसडे की प्लानिंग संडे से ही कर ली होगी कि मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ज़रूरी नहीं है, हो सकता थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये बेटर प्लानिंग करोगे ना, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है यार, आपको पता होना चाहिए इस पूरे हफ्ते आपको क्या करना है। कंसिस्टेंसी जो है ऐसे ही मेंटेन होती है, जो डेली डेली अपना 100% दोगे तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए बेटर प्लानिंग बहुत। इफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट इन डेज यू विल बी कंसिस्टेंट इन वीक्स, इफ यू विल कंसिस्टेंट इन वीक्स यू विल बी कंसिस्टेंट इन मंथ, इफ यू विल बी कंसिस्टेंट इन मंथ यू विल बी कंसिस्टेंट इन ईयर, एंड एग्जैक्टली यार हाँ, इफ यू विल कंसिस्टेंट इन ईयर यू विल बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। यही चीज़ होती है कि यार काम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, आपका काम नहीं हटना चाहिए किसी और चीज़ की वजह से। कुछ भी चल रहा हो भाई, घर में शादी हो तुम्हारा, तुम कहीं घूमने गए हो, तुम कहीं बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ, अपना काम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद आती बाकी चीज़ सब चीज़ें। ठीक है,
तो काम मत भूलो। जैसे मैं आपको इसी का एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी वैष्णो देवी, कटरा वैष्णो देवी गया था, ठीक है। तो मेरा 365 डेज का ब्लॉगिंग चैलेंज चल रहा था, और भाई अगर आपको पता हो कि कटरा में हम लोग के नॉर्मल सिम्स काम नहीं करते हैं, ठीक है, और मतलब आपको पता है कि 16 किलोमीटर की पदयात्रा होती है, तो उस टाइम पर भी मेरा 4 दिन मैंने वहीं पर, मैं सोया नहीं था, हाँ भले ही चाहे स्लीप साइकिल थोड़ी बिगड़ जाती है पर कोई बात नहीं, मैं सोया नहीं था। मैंने 4 दिन लगातार वीडियो डाली, ट्रेन में वीडियो डाली थी, ठीक है, ट्रेन में वीडियो डाली थी, और फिर वहाँ पे भी डाली थी, वहाँ पे एडिट कर रहे थे, शूट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर यही हो रहा था यार, मतलब सोए ज़रूर नहीं थे, पर हाँ काम पहला है, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो आज भी मेरा यही है, सबसे पहले काम होता है, बाकी सारी चीज़ें लाइक एक तरफ है मेरी। तो ऐसे ही आप भी करना चाहिए आपको भी, कि अपना काम सबसे पहले और बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल्स, तो भाई टॉक्सिक पीपल्स कौन होते हैं? तो हाँ भाई, वही लोग जो कहते हैं कि क्या करेगा पढ़ के, चल थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं, चल यार थोड़ा चिल करते हैं, चल यार पार्टी करते हैं, चल यार ये सब करते हैं। थोड़ा दूर रहो यार इन सब लोगों से, क्योंकि इन सब में देखो उन लोग का क्या होता है कि उनका तो लाइक अगर सेट होगा उनका करियर, लाइक बिजनेस वगैरह होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइक आपका जो गोल है ना वो पूरा भटक जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दो कि जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, और वो ज़्यादा टाइम रहते भी नहीं, अगर आप देखोगे ना आज से 10 साल बाद तो वो कहीं और होंगे, आप कहीं और होंगे, ठीक है। तो यार अपने काम पर ध्यान दो और इन लोगों से थोड़ा दूर रहो जो आपकी सक्सेस रोकते हैं। जो अगर आपको एक थोड़ा सा भी दिमाग में आता है ना कि भाई कि ये बंदा आपकी सक्सेस होने से रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से भटक रहे हो, तो यार ऑब्वियसली थोड़ा दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं होती, एक दिन बात बंद कर दो, बस मना कर दो, से नो, नो मीन्स नो एंड दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। वो तुम्हारे घर का पेट नहीं पालने वाला, अपना पेट तुम ही पालने वाले हो, अपने घर वालों का पेट तुम ही पालने वाले हो, ठीक है। उनके घर पे अगर बिजनेस होगा तो उसका चल जाएगा, पर तुम ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो अपने आप पर और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपना काम करते रहो, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे ही दोस्ती बना के रखो, जो कि आपसे अगर कोई आपसे इतना भी कह देता ना कि भाई अगर तू पढ़ रहा है फ्री होके बात कर लेना, तो वो चीज़ होती है कि वो है आपका रियल फ्रेंड। और जो टॉक्सिक लोग हैं ना वो ऐसे कहते हैं, अरे तू पढ़ रहा है क्या, अरे छोड़ पढ़ाई छोड़, नीचे आ जल्दी से, तो अवॉइड दिस, ठीक है, स्टे काम। तो अगर आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, और हर एक चीज़ लाइक प्रॉपर कर रहे हो, स्टे काम यार, अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे भरोसा करो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, भरोसा रखो, ऊपर वाला सबका बारे में अच्छा ही सोचता है, अपने कर्मों का ही फल भुगतता है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ बुरा किया होगा तो उसका फल आपको मिलेगा, अगर आपने कुछ अच्छा भी किया होगा तो उसका भी फल आपको मिलेगा यार, इसलिए स्टे काम यार। लाइक हमेशा अपन को पॉजिटिविटी की तरफ ही देखना चाहिए, अगर कुछ भी गलत हो जाता है उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढो, है ना, कुछ भी गलत लाइक कुछ भी एनीथिंग, लाइक अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या हो सकता ये सोचा करो और उस चीज़ को देखा करो, क्या ये मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर इस वर्स्ट से भी वर्स्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो छोड़ो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टे काम एंड स्टे कंपोज्ड। एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइज, डीप रिवर मूव्स विद साइलेंट मैजेस्टी। तो यही आप खुद से सोचना मैंने क्या बोला है, ठीक है। अवॉइड रिलेशनशिप, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो देखो यार एक चीज़ बताऊँ मैं, ये पुराना ज़माना नहीं है, ये मम्मी पापा वाला ज़माना नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम पे रिलेशनशिप अगर तुम निभा रहे होगे तो वो नहीं निभाएगा, वो निभा रहा होगा तो तुम नहीं निभा पाओगी, तो कुछ होगा, मतलब सरकमस्टेंसेस जैसे बनते हैं। लाइक रिलेशनशिप से भाई दूर रहो तो अच्छा है, आप जैसे ही 16 साल के हो भाई रिलेशनशिप से कट ऑफ हो जाओ भाई, मजाक से हट के भाई आपको लगेगा कि वो बंदा बहुत अच्छा है, ये है, केयर करता है, वो करता है, भाई साहब दिखावे की चीज़ होती है, एक समय आएगा आपका कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप कुछ मूवीज़ देखते हो 12th फेल वगैरह, तो आपको लगता है कि आपकी बाबू सिर्फ आपकी रहेगी, तो भाई एक बात बताऊँ कि बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। मैं देखो किसी को जज नहीं कर रहा, ना मैं कुछ कह रहा, हो सकता है कि बहुत से लोग हों, तो भाई कोशिश तो हमने भी करी थी पर हुआ क्या, जो होना था
तो समझ जाओ, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि आप कितने भी अच्छे हो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर पर दुनिया ऐसी है ना कि वो अच्छा आपको बनने ही नहीं देगी। पर ऐसा नहीं है, अच्छे रहो लेकिन ध्यान रखो कि किसी और के वजह से आप बुरे ना बन जाओ बस, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ में ये थोड़ा दिक्कत देता है। और रिलेशनशिप लाइक थोड़ा वैसा हो गया है कि टॉक्सिसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा भर गई है ना, और रिलेशनशिप से दूर रखा, मैं सीधा कहूँगा कुछ नहीं रखा है भाई, मजाक से कुछ नहीं रखा। काम पर फोकस करो और अपना 100% दो अपने काम में, काम से प्यार करो, हैव रिलेशनशिप विद योर वर्क, वो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। और यार छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो यार। रिलेशनशिप देखो, मैं एक बात बताऊँ, रिलेशनशिप आजकल क्या है ना कि हमारे एल्विश भाई, खैर मैं इतने ज़्यादा वीडियो देखता नहीं हूँ पर थोड़ा रील्स वगैरह में देखा है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसको ब्लॉक कर दो। तो ये मैं बिल्कुल सही बात बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि कोई लड़की अगर आपको सच में पसंद आ जाए तो भाई ब्लॉक कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। काम पर फोकस करो और लग जाओ भाई, अपना बड़े से बड़ा सपना देखो, लाइक बहुत बड़ा। अगर आप सोचते हो ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, इतना आप उतना सोचो और उस काम को करने के लिए लग जाओ भाई, मतलब 100% दे दो अपना। और जैसे ही आपका वो काम होगा ना तो भाई ये काम तो आपको कुछ लगेंगे नहीं, आप कहोगे कि भाई किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, मेरा तो ये काम हो गया। तो वही चीज़ है, और रिलेशनशिप मत करो यार, बेकार की चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में लगता होगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मस्त ख्याल रख रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद रंग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे और इंटरेस्ट बदलेगा, ठीक है। तो आपको ही हर्ट होगा, और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है हमारी लाइफ में, जिससे हम लोग रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ना। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वर्क, अवॉइड रिलेशनशिप, और छोड़ दो भाई ये लड़की लड़की का चक्कर, लड़की लड़के का चक्कर भाई, अपने काम से करो सैक्रिफाइसेस। तो यार एक चीज़ बताऊँ, जितने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप मान लो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करते हो ना तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ता है, अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाते हो तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा कम होता है। तो हर रिजल्ट कभी एक दिन का नहीं होता, रिजल्ट पूरे साल का होता है। जितने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा करोगे लाइफ में, और उतना ज़्यादा आपका जो काम है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपने ट्वेल्थ फेल देखी होगी तो मनोज ने क्या किया था, लाइक उसे सब लोग ऑफर करते थे कि भाई तू पढ़ ले, आ जा मेरे घर पर पढ़ ले, उसने पढ़ा नहीं, पढ़ा ना, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे पता था सैक्रिफाइस, जैसे जैसे वो सैक्रिफाइस ज़्यादा देगा तो वैसे वैसे उसका कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट में दिखेगा वो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा सैक्रिफाइसेस दोगे तो वैसे वैसे आपके रिजल्ट वो फॉर श्योर दिखेगा। चीज़ है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अपने घर वालों की, अपने टीचर्स की, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जितनी हो सके उतनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि पैसा और पढ़ाई ज़िंदगी भर कर सकते हो पर फैमिली का साथ बहुत कम मिलता है। तो जितना रह सकते हो अपने घर वालों के साथ उतना रहो, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो उतनी रिस्पेक्ट करो भाई, उन्हीं का आशीर्वाद होगा जो आपको लगेगा, ठीक है, आपकी दुआओं में। और भी अच्छे काम करते रहो, जितना हो सके अच्छा काम करो, ठीक है। अगर आप सक्षम हो तो बाकियों में भी खुशियाँ बांटो, और अगर आप लाइक कर सकते हो तो जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा अच्छे काम करो। और एक बात याद रखना कि बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, तो अगर आप किसी के साथ भी गलत करोगे तो आपके साथ ज़रूर गलत होगा। तो सर आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि सर आप इतनी डेडिकेटेडली काम कैसे कर लेते हो? क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि मैं किसी और का काम कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा ही काम है, इसलिए अपने काम को उसी लगन से करता हूँ। अरे सर शुक्रिया सर, आप मतलब थैंक यू सर। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बावला चड्डा सर का गेटअप कैसा लग रहा है। देखो सर, बताओ, बताओ, देखो, ये है पूरा गेटअप, ठीक है। तो
ये कल हमने गिफ्ट दिया था बाबला चड्डा सर को हमारे 5 मिनट स्पेशल पे, और वीडियो एडिटिंग के यार पीछे यही है, तो यार ये डिजर्व तो करते हैं ना यार, तो ऑब्वियसली खुशियां बांटी हमने बाबला चड्डा सर को गिफ्ट किया है। तो गाइस, तो सर आज की वीडियो सर आप ही एंड कर दो, ठीक है? माइक तो ले सर, माइक तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म, मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।